न्यूज 18 इंडिया चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। आज बिहार की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज बिहार की विधानसभा में यह तय होगा कि आखिर बिहार का भविष्य क्या कुछ होने वाला है। इन सब के बीच में सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण की शुरुआत हो चुकी है और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद बहुमत परीक्षण होगा। विधानसभा में विश्वास मत पेश करेंगे नीतीश कुमार और विधानसभा नहीं पहुंचे हैं, जो अपडेट आपको बता रहे हैं, जेडीयू के दो विधायक हैं जो नहीं पहुंचे हैं। आरजेडी के भी दो विधायक अब तक सदन में नहीं पहुंचे हैं। आरजेडी विधायक चेतन आनंद और नीलम देवी जो हैं वो अब तक सदन में नहीं पहुंचे हैं। तो आरजेडी और जेडीयू की जो जानकारी मिल रही है कि दो दो विधायक अब तक नहीं पहुंचे हैं। चेतन आनंद की मुलाकात नीतीश कुमार से हुई भी है विधानसभा के सत्र से की शुरुआत से ठीक पहले, जो तस्वीरें भी लगातार निकलकर सामने आई, और चेतन आनंद वही हैं जिनको लेकर उनके परिवार ने सुरक्षा की गुहार लगाई थी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा, देखिए विधानसभा के सत्र की जो है शुरुआत हो चुकी है, राज्यपाल के अभिभाषण की शुरुआत हो चुकी है और इसके बाद क्या कुछ होगा। सबसे पहले आपको ये बता दें, देखिए अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया जाएगा और उसमें नीतीश कुमार को ये साबित करना होगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो बैठ गए हैं लेकिन क्या जो नंबर्स गेम की बात हो रही है, क्या पूरी तरीके से नंबर गेम है या नहीं है, क्योंकि 128 का दावा लगातार एनडीए की तरफ से किया जा रहा है कि हमारे पास बहुमत का आंकड़ा बहुत आसानी से है। दूसरी तरफ आरजेडी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो उनको इस बात की उम्मीद है कि लास्ट मिनट लास्ट सेकेंड में देखना कुछ ना कुछ खेला होगा। अब ऐसे में तो सीधा लिए चलते मेरे सहयोगी लगातार पटना से चंद्रमोहन लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, शायद लग रहा है कि अब भी कोई उम्मीद बाकी है आरजेडी को भी और जेडीयू को भी कि कुछ ना कुछ तो खेला जरूर होगा। बिल्कुल, देखिए अब खेला होने का वक्त खत्म हो चुका है और अब बहुमत परीक्षण का वक्त आ चुका है। अभी से राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ है, थोड़ी देर बाद ये राज्यपाल का अभिभाषण खत्म होगा, उसके बाद फिर से एक बार बिहार विधानसभा का जो ये मुख्य सदन है इसमें तमाम विधायक पहुंचेंगे और उसके बाद सबसे पहला प्रस्ताव आएगा वो बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को हटाने को लेकर है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी परीक्षण जो है वो नीतीश कुमार के लिए है, वो है संख्या बल का। नीतीश कुमार ने यह दावा किया है, डीए की तरफ से यह दावा किया गया है कि 128 विधायक उनके पास मौजूद हैं, उनके पास पर्याप्त संख्या बल है। तो वहीं आरजेडी की तरफ से यह दावा किया गया था, मनोज झा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कहा था कि 122 विधायकों का होना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने उनका यह दावा था कि खेला वही कर सकते हैं लेकिन उनका खेल बिगड़ते हुए दिख रहा है। और अभी से थोड़ी देर पहले शक्ति यादव जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं उनका एक बयान सामने आया है जिसमें साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि उनके दो विधायक नीलम देवी और चेतन आनंद को मुख्य सचेतक के कमरे में बैठाया गया है। मतलब साफ है कि उनके ये दोनों विधायक उनसे अब दूर हो चुके हैं और वो एनडीए के पाले में जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आरजेडी के अंदर ही खेला होते हुए दिख रहा है। वहीं नीतीश कुमार के एक विधायक डॉक्टर संजीव अभी तक नहीं पहुंचे हैं, नवादा में वो मौजूद थे और वो नवादा से पटना के लिए रवाना हो चुके हैं और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अब से थोड़ी देर बाद वो इस सदन के कैंपस में पहुंचेंगे। आपके पास आते हैं रवि एस नारायण, मेरे कॉल से योगी मेरे साथ जुड़े हैं। रवि, आपसे ये आंकड़े के लिहाज से समझना है, बीजेपी का एक विधायक, इसके अलावा जेडीयू आरजेडी के दो दो विधायक, अब ये संख्या बल पे आंकड़े पे किस तरीके से असर डाल रहा है? क्या अभी भी बहुमत के आंकड़े के बिल्कुल करीब है नीतीश कुमार या ये कुछ खेल बिगड़ने वाली स्थिति है? देखिए, बहुमत का जो आंकड़ा है वो बिल्कुल पेचीदा हो गया है और जिस ढंग से अगर बात करें तो बीजेपी के जो एक विधायक हैं और जदयू के जो दो विधायक हैं, इसे लेकर के इसी को कोशिश को ठीक करने के लिए आपने देखा होगा कि आरजेडी के तरफ से जो दो विधायक हैं उससे अनुपस्थित किया गया है। यहाँ पे जो नीलम देवी हैं, जो अनंत सिंह की पत्नी है, वो जो है वो विरोधी खेमे में जाने की बात आ रही है। वहीं चेतन आनंद जो आनंद मोहन के पिता हैं, और वो चेतन आनंद जो हैं वो बताया जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री आवास में सुबह सुबह पहुंचे थे इनके साथ, आनंद मोहन के साथ, और ये दोनों विधायक अगर अनुपस्थित होते हैं, खिलाफ वोट डालते हैं, तो फिर संख्या बल जो है वो ठीक हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, रवि मैं यहां पे कार्रवाई करना चाहूंगी, यहाँ पे ये दो बाहुबली नेताओं की, एक के बेटे आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद और अनंत सिंह की पत्नी नीलम, इन दोनों को लेकर किस तरीके से, क्या ये कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स तो नहीं है? क्योंकि ये दोनों ऐसे बाहुबली चेहरे हैं जिनको लेकर वक्त वक्त पे नीतीश गवर्नमेंट की किरकिरी होती रही है।
निश्चित रूप से देखिए, एक वक्त था जब आनंद सिंह जो है वो नीतीश कुमार के सबसे चहेते में से थे। आनंद मोहन जो है वो भी नीतीश कुमार के करीबी रहे, क्योंकि नीतीश कुमार ने उन्हें जेल से बाहर करवाया है, तो दोनों पे प्रभुत्व रहा है। लेकिन दोनों के दोनों जो है वो नीलम देवी जो है आनंद सिंह की पत्नी है, राजद खेमे में आ गई, और चेतन आनंद जो बेटे हैं वो भी राजद खेमे में है। तो अपने जो असर है नीतीश कुमार ने दिखाया है और दोनों विधायकों को अपने पाले में लाने की कोशिश की है। दोनों बाहुबली है, लेकिन दोनों जो है आरजेडी में है, लेकिन वो जदयू ने अपना कार्ड खेला है और नीतीश कुमार ने अपनी ताकत दिखाई है, और यही नतीजा है कि दोनों के दोनों जो है राजद खेमे से बाहर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जो मैं बात कर रहा था, सबसे महत्वपूर्ण है स्पीकर को हटाने को लेकर के जो नियमावली है, जो मनोज झा ने लगातार बताया है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, लगातार उसके अनुसार 122 विधायक होने ही चाहिए। अगर आंकड़े की बात करें तो अगर दो वहां से कम होता है, बावजूद जो है 122 का आंकड़ा पूरा होता है, अगर स्पीकर नहीं, स्पीकर हटा लिए जाते हैं तो बहुमत सिद्ध होगा, उसके बाद फ्लोर टेस्ट जो है उस पर भी बहुमत सिद्ध हो सकता है। तो सबसे बड़ा आंकड़ा है कि जो अंदरूनी भीतर घात है, जो आरजेडी जो ये कोशिश कर रही है, आरजेडी जो इस बात का विश्वास कर रही है कि जो पांचों विधायक जदयू में आ गए हैं उन पर नजरें टिकी हुई है, क्या उन लोग सचमुच जदयू के खाते में, जदयू के समर्थन में वोट करेंगे या फिर भीतरघात होने की संभावना है। और मैं इसी सवाल के साथ चंद्रमोहन के पास जा रही हूँ कि चंद्रमोहन, अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि स्पीकर नहीं हटाए जा रहे, बहुमत हो जाता है या कुछ भी आखिरी समय में खेला हो जाता है, तो फिर होगा वही जो स्पीकर चाहेंगे, पिच भी उनकी होगी, बैटिंग भी उनकी होगी, बॉलिंग भी उनकी होगी। बिल्कुल देखिए, ऐसा होते हुए दिख नहीं रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार के पास संख्या बल मौजूद है। अगर ऐसा होता है तो नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी संकट की घड़ी हो जाएगी। इसीलिए कल जैसे ही पांच विधायक उनके विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचे, उसके बाद से उनको मनाने का सिलसिला शुरू हो गया। सभी विधायकों को संपर्क किया गया, उनके यहाँ दूत भेजा गया नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार से बात हुई, और उसके बाद वो तमाम विधायक माने। कल दो विधायक सुदर्शन कुमार और साथ ही मनोज यादव, दोनों देर रात पहुँच गए थे चाणक्या होटल में, जहां जेडीयू के तमाम विधायक ठहरे हुए थे। तो वहीं जो और दो विधायक थे वो भी आज सुबह पहुंच गए। संजीव कुमार यहां पर बिहार विधानसभा कैंपस में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि अगर ऐसे आंकड़े में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष को अगर विश्वास मत में नहीं हटा सकते हैं तो नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी किरकिरी हो सकती है, और उसके बाद नीतीश कुमार की सरकार भी जा सकती है। ऐसे आलम में नीतीश कुमार ऐसा होने नहीं देंगे, और शायद यही वजह है कि आरजेडी के दो विधायकों को पहले ही अपने पाले में कर लिया गया है, और इसके साथ ही अपने सभी विधायकों को, यानी कील और कांटे जो भी हैं उसको दुरुस्त करके, और उसके बाद सदन की कार्रवाई के लिए नीतीश कुमार पहुंचे हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक नीतीश कुमार बिहार विधानसभा के लिए जब मुख्यमंत्री आवास से निकल रहे थे, उससे पहले चेतन आनंद से उनकी मुलाकात भी हुई है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जब कल उनके पांच विधायक विधायक दल की बैठक में नहीं पहुंचे, उसके बाद से ही लगातार जाल बिछाया जाना लगा, और उसके बाद अगली तैयारी, मतलब आज जब नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना है उसकी तैयारी शुरू कर दी गई थी। तो अब नीतीश कुमार को बहुमत साबित करने में कहीं कोई परेशानी नहीं आने वाली है, और सबसे अहम बात यह है कि नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, वो अभी जब यहां पर सदन में पहुंच रहे थे तो वो अपने साथ जीतन राम मांझी के तमाम विधायकों के साथ गाड़ी में बैठकर आए थे। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि एनडीए की पूरी तैयारी है और कहीं भी कोई परेशानी